मैं हूं श्वेता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं डॉग प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो मैंने कुछ दिन पहले परचेस किया है जब पार्पल में मॉनसून सेल चल रहा था उस वक्त तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या प्रोडक्ट परचेस किया है एंड एक ऑफर भी था अगर आप टू से ज्यादा परचेस करोगे फ्रॉम डॉग तो आपको एक टू का फेस वॉश भी फ्री मिलेगा तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिया है पार्पल से पहला प्रोडक्ट है वो है डामडॉक का जेंटल क्लिनजर विद सिटाइल अल्कोहल एंड स्टीराइल अल्कोहल इसका जो क्वांटिटी है 120 ट्वेंटी का है और इसका जो प्राइस है 249 का है आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएंगे पार्पेल में क्योंकि पार्पल में हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑफर्स रहते ही है आप देख लेना तो इसमें लिखा है रिमूव डेड स्किन सेल्स लॉक्स इन मॉइस्चर हेल्प्स प्रिवेंट एक्ने सूज स्किन इरीटेशन तो ये डानडॉक एक ऐसी ब्रांड है जिसमें कोई सल्फेट्स, पैराबेंस एंड मिनरल ऑयल्स नहीं है सिर्फ परफ्यूम है तो मैं उसे इग्नोर करूँ तो डानडॉक एक अफोर्डेबल ब्रांड है फॉर स्किन केयर जो प्रोडक्ट है ये सेंसिटिव स्किन के लिए एंड एक्ने प्रॉन के लिए ही है और ये एक लोशन बेस्ड स्किन क्लिनसर है इसमें कोई सोप नहीं है अगर आपको सोप बेस्ड फेस वॉश से कुछ भी स्किन में प्रॉब्लम होती है या इरीटेशन होती है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो बात कर लेते हैं इसका जो पैकेजिंग ये एक बॉक्स में आता है और इसके अंदर एक बॉटल है और उसके साथ एक पम्प भी है तो प्रोडक्ट वेस्ट होने की चांसेस नहीं है चाहे तो इस प्रोडक्ट को क्लिनसिन मिल्क की तरह भी यूज़ कर सकते हो और मसाज करने के बाद आप पानी से भी धो भी सकते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे ठीक है लेकिन मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया है तो मुझे कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि इसमें परफ्यूम है मुझे सूट करेगा भी या नहीं क्योंकि मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये सेंसिटिव स्किन के लिए ही है लेकिन इसमें परफ्यूम है तो अभी तक मुझे कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो मैं इसे आपको सजेस्ट जरूर करूंगी और ये जो सिटाइल अल्कोहल एंड स्टिराइल अल्कोहल है ये एक्ने प्रॉन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं बहुत दिनों से एक्ने से सफ़र कर रही थी तो मेरी जो डार्मोटोलॉजिस्ट है उन्होंने जो फेस लोशन मुझे दिया था फेस को वॉश करने के लिए उसमें भी सिटाइल एंड स्टिराइल एल्कोहल था सेकेंड प्रोडक्ट है वो है डार्म स्किन ब्राइटनिंग फेस मास्क विथ विटामिन सी इसका जो क्वांटिटी है 60 ग्राम का है और इसका जो प्राइस है 265 का है तो मैंने इसे डिस्काउंट में ही लिया था तो याद नहीं है मैंने कितने प्राइस uh, में इसे लिया था तो मैं सारी प्रोडक्ट्स का जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड डिस्काउंटेड प्राइस भी दे दूंगी तो प्लीज़ आप चेक कर लेना और ये जो फ़ेस मास्क है इसका जो डायरेक्शन फॉर यूज़ है अप्लाई द माक्स ऑन अ क्लीन फेस वेट फॉर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स बिफोर रिंसिंग इट ऑफ विथ वाटर रिक्स सारे प्रोडक्ट्स का जो डेमो है मैं इस वीडियो के बाद में दे दूँगी तो आप चेक कर लेना और जो थर्ड प्रोडक्ट है डार्म कैलामाइन लोशन विथ विट विटामिन ई e. इसका जो क्वांटिटी है 120 ट्वेंटी का है और इसका जो प्राइस है 215 है अगेन ये डिस्काउंट में आपको मिल जाएंगे और इसमें लिखा है फाइट्स इन्फ्लेमेशन कीप स्किन हाइड्रेटेड हील्स डैमेज स्किन इम्प्रूव स्किन टेक्स्चर लेकिन पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है मैंने सोचा था ये कैलामाइन लोशन है लाइक लैक्टो कैलामाइन लेकिन लैक्टो कैलामाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है इससे और इसका जो स्मेल है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसे अप्लाई करने के बाद वाइट कास्ट हो जाता है आपको बहुत देर तक मसाज करना होगा उसके बाद ये इनविजिबल होता है तो इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो मैं इसे बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी इसे अच्छा है आप लैक्टो परचेज की, कीजिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा काम भी करता है अगर आपके स्किन में कोई भी डार्क स्पॉट है ये कुछ भी नहीं काम करता है मैंने इसका जो पैकेजिंग है ये भी प्लास्टिक बॉटल में आता है लाइक फेस वॉश की तरह एंड इसमें भी पाम्प है तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी काम की नहीं है तो मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है जो मुझे फ्री में रिसीव हुआ था वो है डार्म डॉक स्किन टाइटनिंग फेस वॉश विथ हाइड्रोलाइज्ड कोलाजिन और इसका जो क्वांटिटी है सेम है 120 ट्वेंटी है एंड इसका प्राइस है 249 फोर्टी नाइन एंड इसका डायरेक्शन फॉर यूज है अप्लाई आ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेस वॉश ऑन वेट पाम्स जेंटली मसाज ऑन फेस एवॉयडिंग आई एरिया रिंस ऑफ विथ वाटर एंड यूज ट्वाइस डेली तो इसका जो पैकेजिंग है सेम पैकेजिंग है पहली जो फेस वॉश था उसका एंड कैलामाइन लोशन का ये प्लास्टिक बॉटल में आता है पंप है तो इसका जो कॉन्सटेंसी है लिक्विड है एंड जेल बेस्ड है इसका जो फ्रेग्रेंस है माइल्ड है ज़्यादा नहीं है कैलामाइन लोशन के अलावा और जो प्रोडक्ट्स है उसमें माइल्ड फ्रेग्रेंस है उतना ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है इसका तो जो टेक्स्चर है मैं आपको दिखा देती हूँ ये एक जेल बेस्ड क्लींसर है ये ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है नॉर्मल स्किन के लिए भी एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ये थी मेरी ऑल प्रोडक्ट्स जो मैंने डानडॉक से परचेज किया है तो आप कैलामाइन लोशन के अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो ले सकते हो कैलामाइन लोशन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है को दिखाना चाहती हूँ कि क्यों नहीं पसंद है मुझे ये डानडॉक कैलामाइन लोशन मैं मेरी हैंड में एक ड्रॉप ले लूंगी और मैं इसे मसाज करूंगी तो आप देखिए इसका जो स्मेल है डिटर्जेंट की तरह स्मेल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मैं इसे इतना बार मैसेज कर रहा हूं लेकिन ये कास्ट नहीं जा रहा है मेरी ऑल प्रोडक्ट्स रिव्यू तो चलिए डेमो देख लेते हैं

मास्क को यूज नहीं करना है इससे क्या होगा आपका जो इरिटेशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड क्योंकि मेरी जो नोज पोर्शन है यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई पैचेस था तो वहां पे मैंने ये विटामिन सी जो फेस मास्क है यूज किया था तो मुझे बहुत जलन हुआ था कुछ देर बाद ये ठीक हो जाता है लेकिन जलन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका स्किन जो है वेल मॉइस्चराइज हो उसके बाद ही आप ये जो मास्क है अप्लाई करें एंड ये जो मास्क है टैन रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आपको बहुत ज्यादा टैन हो गया है तो आप चाहे तो फेस में हैंड में या नेक में यूज कर सकते हो ये देखा होगा कि इसे अप्लाई करने के बाद ये फोम नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी सोप नहीं है तो मैं नेक्स्ट टाइम इसे जरूर परचेस करूंगी क्योंकि इन चारों प्रोडक्ट्स में से मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है तो आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हो अगर आपका सेंसिटिव एंड एक्नेप्रॉन स्किन है ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा ये थी मेरी आज का वीडियो रिव्यू एंड डेमोस्ट्रेशन तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना तो बाय गाइस टेक केयर मैं जल्दी से वापस लौटती हूँ